ठीक है भाई, ये तो था आपका प्रिंट फॉर्मेट के बारे में। तो इसके बारे में फर्दर आपको अगर सीखना है तो इसकी मैंने किताब दे दी आपको, किताब का चैप्टर का प्रिंट फॉर्मेट का। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं एग्जाम्पल के साथ, आप अप्लाई करते हुए अपनी मर्जी के जितने भी फॉर्मेट्स आ जाते हैं वो आप फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं। अब उसका चौथा कॉम्पोनेंट विनाइसिस की डेटाबेस का फील्ड सिलेक्शन टेबल, के डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को इंडेक्स करने के लिए, डेटाबेस में मौजूद इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम इसका फील्ड सिलेक्शन टेबल्स का कंपोनेंट जो है ये यूज़ करते हैं, ताकि आपकी डेटाबेस जो है आ सके। ठीक है, तो डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को इंडेक्स करने के लिए इसकी होती है डिक्शनरी होती है। अगर आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर नीचे देखेंगे यहाँ कोने में एक किताब बनी हुई है, दिस बुक इज कॉल्ड डिक्शनरी। इसको जब आप ओपन क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में मौजूद इंफॉर्मेशन की जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे टर्म्स इंडेक्स के तौर पर आपको नजर आएंगे। जैसे ISBN नंबर्स वगैरह हैं, ये सारे ISBN नंबर्स आ रहे हैं, इनके सामने लिखा हुआ है 1-1 लिखा हुआ है, 2-2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 मतलब है कि ये ISBN नंबर दो मरतबा डेटाबेस में इस्तेमाल हो रहा है, ये दो मरतबा इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से ये DDC नंबर आ रहे हैं, ये DDC नंबर की 7 किताबें डेटाबेस के अंदर हैं, इस नंबर की 3 किताबें हैं, इस नंबर की 3 किताबें हैं, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और एंट्रीज हैं, ये आपके एंट्रीज हैं। ठीक है, इस नंबर की आपके पास 13 किताबें हैं। ठीक है, ये कहता है डिक्शनरी, डेटाबेस की डिक्शनरी, कि आपने डेटाबेस में से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप यहाँ से कर सकें। ठीक है, इसके अंदर पहले से ही कुछ एंट्रीज बनी हुई हैं, तो ये एंट्री कैसे बनी गई, कैसे बनी हुई हैं, उनको सर्च करने के लिए बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, डेटाबेस जब आप ओपन करेंगे तो डेटाबेस के अंदर आपकी यहाँ पर एक किताब बनी हुई है, ये कहलाती है इसकी डिक्शनरी। ठीक है, तो इस डिक्शनरी को आप जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर डेटाबेस में जितने भी कीवर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, ये सारे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में नजर आएंगे। जैसे मैंने ए टाइप किया तो जितनी भी ए की एंट्रीज हैं आ गई, मैंने यहाँ पर बी टाइप किया तो जितने भी बी की एंट्रीज हैं वह सब की आपके सामने आ गई। डेटाबेस जो है पूरी आपकी इंडेक्स है। मैंने सी टाइप किया तो सी से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी एंट्रीज आपके स्क्रीन पर शो हो रही हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से ये आपका इंडेक्स बनता है इसको बनाने के लिए हम एडिट में जाकर फील्ड सिलेक्शन टेबल को मॉडिफाई करते हैं। ये FST मैंने ओपन की तो ये आपके सामने FST की विंडो हो गई ओपन। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो पहले से एंट्रीज हैं ये एंट्रीज में करता हूँ रिमूव, सिलेक्ट किया इनको मैंने यहाँ से रिमूव किया। ठीक है, ये सारे एंट्रीज में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, सब मैंने रिमूव कर दी। इसको मैंने सेव किया, ठीक है, सारे एंट्रीज मैंने रिमूव कर दी, सिर्फ एक एंट्री मैंने रखी है 245 की, टाइटल की। तो डिक्शनरीज में पहले जो ISBN नंबर, DDC नंबर्स वगैरह ये सब आ रहे थे, उन सब चीज़ों को रिमूव कराने के लिए हम इसकी FST को करते हैं मॉडिफाई। डेटाबेस के किसी भी कंपोनेंट्स को जब हम मॉडिफाई करते हैं, स्पेशली FST को, तो उसके लिए डेटाबेस को अपडेट करना लाजमी होता है, ताकि ये सारी लिंकिंग फाइलें जो है आपस में रीजनरेट हो सके। कि डेटाबेस को जब भी आप उसकी FST को, FDT को या FST को मॉडिफाई करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो उसके लिए आपको डेटाबेस को यहाँ से IF अपडेट कहता है, इन्वर्ट फाइल अपडेट कराता है, ये अपडेट करना लाजमी होता है ताकि आपके डेटाबेस रीजनरेट्स जो है हो सके। ठीक है, तो इसके डेटाबेस का नाम है lizaz1.mst। तो इसकी अगर आप FST चेक करेंगे सी ड्राइव में, विनाइसिस में, ये डेटा के फोल्डर में, ये आपके lizaz1 के नाम से एक फाइल होगी। ठीक है, lizaz1.fst।
इसकी प्रिंट फॉर्मेट की फाइलें और लिजाज डॉट एफ एस टी। ठीक है, लिजास 1.fst। अगर इस फाइल को आप ओपन करेंगे नोटपैड में तो यहाँ पर आपको मिलेंगी कोडिंग्स। ठीक है, ये सारी कोडिंग्स मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पर 082 की कोडिंग लगाई है, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, ये फाइल मैंने बिल्कुल ब्लिंक कर दी। ठीक है, ब्लिंक करने का मतलब ये कि मैंने इसकी डिक्शनरी को, जो डिक्शनरी में वर्ड्स नज़र आ रहे थे, ठीक है, अभी मैंने एफ एस टी को ख़त्म कर दिया। डिक्शनरी में ये एंट्रीज है, ठीक है, अब इनकी एंट्रीज को जब मैं यहाँ से डेटाबेस में जाकर इनवर्ट फाइल अपडेट, इसको मैं अपडेट करूँगा तो सारी एंट्रीज जो है आपकी री इंडेक्स हो जाएंगी, क्योंकि मैंने वहाँ ख़त्म कर दी सब चीज़ें, तो आपकी डिक्शनरी बिल्कुल खाली हो जाएगी। ये सिस्टम कभी कभी वायरस की वजह से डेटाबेस को सही तरीके से अपडेट नहीं कर पाता। ठीक है, डेटाबेस जो हमने खोली हुई है वो लिजास 1.mst है। नहीं हो रही, इसके एफ एस टी ये अपडेट मैंने किया। ठीक है, अब डिक्शनरी में आपने अपने ऑथर को इंडेक्स करना है। आप चाहते हैं कि आथर की एंट्री जो है आपकी डेटाबेस में आ जाए, तो उसके लिए आप एडिट में जाकर एफ एस टी को मॉडिफाई करेंगे। एफ एस टी में आप यहाँ से पहले न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे कि आपके पास कुछ एंट्री नहीं है, कि फील्ड सिलेक्शन टेबल के क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं एक्सटेंड करने का। वारोशन निकालना पास करें थे बाबा। ठीक है, हम न्यू एंट्री करने के बाद यहाँ से जितने भी टैग नंबर्स हैं, हर किसी भी टैग नंबर को हम इंडेक्स कर सकते हैं। आथर को इंडेक्स करना है तो यहाँ से आथर की वैल्यू टैग सेलेक्ट करेंगे कि आथर को लिखने के लिए हम लिखते हैं 100। ठीक है, आथर, अब आथर को हमें किस तरीके से इंडेक्स करना है, ये टेक्निक्स हैं। बाय लाइन मतलब है कि जब तक पूरा आथर का वर्ड टाइप नहीं होगा तब तक आपकी वैल्यू नजर नहीं आएगी। बाय वर्ड मतलब है कि आथर का कोई भी वर्ड आप लिखेंगे, जैसे आरिफ अली पट्टी है, आप आरिफ लिखेंगे तभी भी रिकॉर्ड सर्च होगा, अली लिखेंगे तभी भी रिकॉर्ड आएगा, भट्टी लिखेंगे तभी भी रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब फिर यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर्मेट, तीन स्टेप्स होते हैं, सिलेक्ट टेक नंबर, सिलेक्ट टेक्निक्स एंड सिलेक्ट एक्सट्रैक्शन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट्स में हम लिखेंगे MHL, मतलब कि जिस तरीके से डेटा एंट्री की गई है उसी तरीके से स्क्रीन पर शो, और किसकी शो वैल्यू शो 245 और
या अनडेड सफिट ए कि आर्थर का नाम जो है वो स्क्रीन पर शो। ठीक है, एफएसटी बनाने के लिए तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, आप टेक नंबर सेलेक्ट करेंगे, जिस टेक नंबर को आपने करना है, इंडेक्स करना है, किस टेक्निक से करना है, और जो चीजें स्क्रीन पर नजर आए उसकी वीडियो आपने शो करनी है। करने के बाद आपने एड पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाएगा 100 टेक नंबर, 4 टेक्निक्स, MHL उसका फॉर्मेट और वैल्यू। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। ओके, अब सेव करने के बाद आपको डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा ताकि इसकी रीजनरेट आ सके। ठीक है, अपडेट करना, इन्वर्ट करना, ये आप फुल इन्वर्ट करेंगे ताकि आपकी सारी फाइलें जो है दोबारा से रीजनरेट हो सके। ओके बेटा, अब डिक्शनरी आप जब ओपन करेंगे तो डिक्शनरी में आपको ये आथर की एक वैल्यू आएगी। अब आथर में जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स आपके हो गए इंडेक्स के। अंसारी 8 मरतबा डेटाबेस में यूज़ हो रहा है, एंथनी 5 मरतबा यूज़ हो रहा है, आपका ये आर्थर 8 मरतबा यूज़ हो रहा है, आर आई 4 मरतबा आ रहा है। ठीक है, ये बलोच 10 मरतबा आ रहा है। आपने देखना है कि बलोच के कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिसमें आपका बलोच नाम आ रहा है, तो इसको आप डबल क्लिक करें। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी सर्च की विंडो खुल जाएगी। इस सर्च की विंडो में आप यहाँ से बलोच को ड्रैग करके यहाँ पर पेस्ट करें तो बलोच यहाँ पर आ जाएगा। इसको फिर एग्जीक्यूट करके जब डिस्प्ले कराएंगे तो ये रिकॉर्ड्स हैं, इनको अगर आप शो करना चाहते हैं 245 के हिसाब से। ठीक है, अब इसका कंट्रोल नंबर आ रहे हैं, कंट्रोल नंबर के बजाय अगर आप चाहते हैं कि इसके टाइटल्स नजर आए तो टाइटल्स के लिए आप यहाँ से 245 सेलेक्ट करेंगे कि ये टाइटल्स हैं, कि एक किताब ये जिसमें बलोच आ रहा है, दूसरा किताब ये जिसमें बलोच आ रहा है, तीसरा किताब ये, चौथा किताब ये, तो जहाँ जहाँ पर भी बलोच आएगा वहाँ पर आपके जो है रिकॉर्ड्स नजर आएंगे। ठीक है, इसको आप स्टॉप ब्राउजिंग करें इस तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने आथर को इंडेक्स करना है फुल वर्ड्स के साथ, तो फुल वर्ड से इंडेक्स करने के लिए दोबारा से आप जाएंगे एडिट में, इसकी FST को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद आप इस एंट्रीज को या तो डबल क्लिक करें या इस एंट्री को रिमूव करके नई एंट्री बनाएं, फिर यहाँ से 100 सेलेक्ट करें, 100 को 0 टेक्निक्स के साथ मतलब बाय लाइन के साथ, और यहाँ पर आप लिखेंगे MHL वैल्यू ऑफ 100 की सब फील्ड ए, ये टाइप किया, इसको मैंने ऐड किया। ठीक है, 100 आथर में से 0 टेक्निक, 0 मतलब फुल वर्ड फुल लाइन, आथर का जब तक नाम पूरा नहीं आएगा तब तक जो है आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ सेव किया, देन ओके। अब मैंने यहाँ से चेंजेस की, चेंजेस करने के लिए अप्लाई करना है तो उसको दोबारा अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करने के लिए फुल इन्वर्ट अपडेट, देन ओके। अब जब आप डिक्शनरी को ओपन करेंगे तो डिक्शनरीज में पहले आथर का वर्ड आ रहा था, अब आथर का आपको पूरा नाम आएगा। ठीक है, जैसे अब्दुल हामिद, अब्दुल अहमद, अब्दुल रऊफ, मतलब पूरे नाम जो है आथर के आ रहे हैं। ये आमना शक्ल के नाम से 3 रिकॉर्ड्स हैं, देखने के कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो आमना शक्ल के नाम से बने हुए हैं। इसको आप डबल क्लिक करें तो सर्च विंडो खुल जाएगी, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर पेस्ट करें तो ये आपका नाम आ गया। इसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद डिस्प्ले कराएंगे, सॉरी मेरा कभी कभी विंडोज जो है एरर्स की वजह से नॉट रिस्पॉन्डिंग कर लेता है और हो जाता है बंद। ठीक है, जैसे आपने कोई रिकॉर्ड्स में सर्च करना है 5 बजना, जैसे आमना शक्की मैंने कहा था, इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक के बाद यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर इसको पेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया, डिस्प्ले दबाया तो ये आपके सामने ये 3 रिकॉर्ड्स आ गए, एक रिकॉर्ड ये, दूसरा रिकॉर्ड ये, तीसरा रिकॉर्ड ये।
तीन अधिकार से इनके आप लिखेंगे। इसको अगर आपने प्रिंट करना है तो कंट्रोल में जाकर प्रिंट ऑल रिट्रीव रिकॉर्ड्स या करंट रिकॉर्ड या मार्क रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं, करंट मतलब कि जो स्क्रीन पर नजर आए ये प्रिंट होगा, मार्क मतलब कि जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो प्रिंट होंगे, ऑल मतलब कि सारे रिकॉर्ड जो है आपके प्रिंट होंगे। सारे रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं तो आपने प्रिंट ऑल रिकॉर्ड पर क्लिक किया। अब कहाँ प्रिंट करना है, अभी प्रिंटर तो नहीं है, आप विंडो की फाइल बनाएं, उस फाइल का यहाँ पर नाम दे दें, मैंने नाम दे दिया अपना शकील, ठीक है, इसके नाम से फाइल बनेगी जिसमें आपके तीन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये फाइल जो है आपकी सेव होगी कहाँ पर, इस सी ड्राइव में विनाइसिस के वर्क के फोल्डर में, ठीक है, आपना शकील के नाम से आपकी फाइल होगी। इसको आप जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके तीन रिकॉर्ड जो है जो आपने सर्च किए थे आ गए, एक ये आपना शकील का रिकॉर्ड, दूसरा ये और तीसरा ये रिकॉर्ड। बेटा एरर आने का रीजन ये है कि कंप्यूटर में जब वायरस होता है ना बेटा, तो वायरस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जल्दी अपडेट करता है, इसलिए बार बार ऐसे एरर आ जाते हैं। जी आप बेटा वीडियो अपलोड कंटिन्यू भाई, ठीक है, फिर यहाँ से आप स्टॉप ब्राउजिंग करें तो ये FST कमांड जो है, फंक्शन जो है यूज होता है किसी भी फील्ड्स को इंडेक्स करने के लिए। जैसे आपने टाइटल को सर्च करना है, अगर आप चाहते हैं कि टाइटल में से इंफॉर्मेशन को सर्च करें, कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करें, तो उसके लिए आप एडिट में जाएंगे, फील्ड सिलेक्शन टेबल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑथर को सर्च करना है, फिर एक नई एंट्री करनी है टाइटल की। टाइटल के लिए हम यूज करते हैं 245 टाइटल स्टेटमेंट। अब टाइटल को आपने सर्च करना है बाय लाइन से तो बाय लाइन, अगर बाय वर्ड सर्च करना है तो बाय वर्ड, कि मैं टाइटल के कुछ भी कोई भी वर्ड टाइटल का सर्च करना है तो बाय वर्ड। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे MHL कमा V 245 सब फील्ड ए, आ जाए 245 सब फील्ड ए के साथ 245 सब फील्ड बी भी आए, ठीक है, तो बी में तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये दो मैंने टाइटल और आथर, इन दो एंट्रीज को मैंने इंडेक्स किया, इसको मैंने यहाँ से सेव किया और ओके, ठीक है। अब सेव करने के बाद दोबारा से मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा ताकि इसका रीजनरेट हो सके इसकी इंडेक्स फाइल, कंप्यूटर का, ठीक है बेटा, ठीक है। अब पहले इसमें सिर्फ एक फील्ड थी, अब इसके अंदर आथर भी आ गया, टाइटल भी आ गया, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि सर्च करना चाहते हैं कि आपने ये सर्च बॉक्स खोला कहाँ से, ये सर्च में जाकर, ये दो सर्च है, एक्सपर्ट सर्च गाइड सर्च, आप एक्सपर्ट सर्च खोलेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी कि आप कुछ भी एक्सप्रेशन लिखें, जैसे आप चाहते हैं कि आप लिखें यहाँ पर अहमद, कि अहमद डेटाबेस में जहाँ भी लिखा हो उसकी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएं, तो अहमद लिखा मैंने, इसको एग्जीक्यूट किया, अहमद कौन है अब्दुल, ठीक है, अब्दुल कौन है, अहमद कौन है, को चलो आथर्स को या मैं लिखाऊं कि इसमें लाइब्रेरी जहाँ भी लिखा हो वो नजर आए, तो लाइब्रेरी भी आपके पास किसी टर्म्स वगैरह के अंदर नजर नहीं आ रही, ठीक है। जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वही वर्ड्स जो है आप इसमें सर्च कर सकेंगे, जैसे डिक्शनरी मैंने ओपन की, अब डिक्शनरी में आपने सर्च करना है कि डिफरेंट किस्म के हैं, ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स में से आपने ये पेंसिल एस के इसको सर्च करना है, तो इसमें डबल क्लिक किया, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर पेस्ट किया, क्योंकि कुछ स्पेलिंग कुछ मिस्टेक्स वगैरह होंगी तो आपको नजर नहीं आएंगी, तो ये चार रिकॉर्ड्स जो हैं आपको नजर आएंगे पेंसिल एस के, एक दो तीन चार,
बिना स्क्रीन पर न टाइप करें, बिना नहीं टाइप करें। ठीक है बेटा, तो ये चार कंपोनेंट्स बिना एसएस के इस्तेमाल होते हैं डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए। कि आपने डेटाबेस को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, तो उस हिसाब से आप ये चारों कंपोनेंट्स उसके मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ लिखेंगे लाइब्रेरी, तो डेटा सेट नहीं होगी। ठीक है, तो चार ये होता है डेटाबेस की डेफिनेशन चेंज करने के लिए, स्ट्रक्चर को ये डेटा एंट्री चेंज करने के लिए, ये प्रिंट फॉर्मेट्स के लिए, और ये इसके इंडेक्स को रीजनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप एक फील्ड्स भी इंडेक्स कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फील्ड्स भी इंडेक्स कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितनी डेटा आप चाहते हैं उतनी डेटा आपको रिट्रीव हो सकेगी। ठीक है बेटा, कोई सवाल? बेटा ये सॉफ्टवेयर जो है ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होता है इस लाइब्रेरी की लेबलिंग करने के लिए या मुख्तलिफ किस्म की लिस्टें बनाने के लिए। जी बाबा, सवाल पूछो बेटा। बहुत आगे मुझे हो तो आप अपने लैपटॉप में कोशिश करो तो विंडो 32 बिट्स इंस्टॉल करायो। 32 बिट्स जेका है बड़ा हल्की विंडो होंदी आहे, कंप्यूटर ते लोड कोन थींदी आहे, थींदा आहिनि। 32 बिट्स जी विंडोज खे इंस्टॉल करे हुन ते तव्हां सॉफ्टवेयर रन कराए सघो था। 64 ते सॉफ्टवेयर जेको आहे नथो हले। बड़ा नओं डेटाबेस में रिकॉर्ड ठाहिण जे लाइ तव्हांखे ॿुधायो न, एडिट में जाके, डेटाबेस के एडिट में जाकर आप डेटा एंट्री पर क्लिक करेंगे तो डेटा एंट्री की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी फील्ड्स जो है खाली हो जाएंगी, तो फिर यहाँ से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं कि मुख्तलिफ फील्ड्स में। जैसे आईएसबीएन नंबर लिखना है तो यहाँ से आप आईएसबीएन नंबर आपने पिक किया और यहाँ पर आपने वो नंबर टाइप करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने आईएसबीएन नंबर लिखना है तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपको कसने फिर। बेटा गूगल में वही टाइप कयो डाउनलोड बिना एसएस त तव्हांखे सॉफ्टवेयर मिली वेंदो ओपन सोर्स। साइट्स उन ते मुख़्तलिफ़ साइट्स ते रखियल आहे, यूनेस्को ते बि आहे, मुख़्तलिफ़ जॻह ते पियो आहे। इहो एॾो सॉफ्टवेयर कोन्हे पुट, हीअ एक्ज़ी फाइल जेका आहे 8-10 मेगाबाइट्स जी आहे। ठीकु आहे पुट, कोई सवाल? बाबा 32 बिट्स जी विंडो पुट, बाबा 32 बिट्स जी विंडोस त तव्हांजो सॉफ्टवेयर जेको हलंदो, तव्हांजे कंप्यूटर जी लैपटॉप जी विंडो जेका आहे जॾहिं 32 बिट्स हूंदी, हीअ 32 बिट्स जी आपरेटिंग सिस्टम हूंदो, त उन ते जेको आहे सॉफ्टवेयर आसानी सां इंस्टॉल थी वेंदो। पुटा पोइ ॿियो को लैपटॉप हथु कयो भला, अगरि प्राइम मिनिस्टर वारे लैपटॉप में नथो इंस्टॉल थी सघे त किथां ॿियो कंप्यूटर हथु कयो, उन में इंस्टॉल करायो। ठीक है, बिना इसे सॉफ्टवेयर के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो होता है उसकी फाइलें की एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग। कि डेटाबेस में सपोज इस वक्त डेटाबेस में आपके पास अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा तो इसमें 2314 इतने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 2314 जेके आहिनि हिन में रिकॉर्ड्स पिया आहिनि। हिन रिकॉर्ड्स खे तव्हांखे एक्सपोर्ट करिणो आहे कंहिं ॿी डेटाबेस में, तो उसके लिए आप डेटाबेस में जाकर यहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकेंगे। जब यहाँ से आप डेटाबेस आपने बात सपोज इसमें जो शुरू के 1 से लेकर 1000 रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स आपने एक्सपोर्ट करने हैं किसी फाइल में,
तो आप क्या करेंगे कि डेटाबेस में जाकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जब एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि कौन सी फाइल्स में आपने रिकॉर्ड सेव करने हैं। तो मैं कहता हूँ कि मुझे BS4 के नाम से एक फाइल बनाए जिसकी एक्सटेंशन हो ISO। इस ISO की एक्सटेंशन की फाइल में जो सी ड्राइव में विनाइसिस में सेव होगी वहां पर ये 1000 रिकॉर्ड जो है सेव कर ले। ठीक है, तो ओपन किया मैंने तो पूछता है कि आपने जो रिकॉर्ड सेव होंगे उसका मास्टर फाइल रेंज जो है आपका होगा वो कौन सा होगा। और जैसा कि मैं 1 से लेकर 1000 तक शुरू के 1000 रिकॉर्ड जो है चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट हो। बाकी ये डिफरेंट ऑप्शन पूछता है आपको कि आपको फील्ड सेपरेटर कौन से रखना चाहते हैं, सब फील्ड सेपरेटर कौन से चाहिए। तो ये अगर आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसकी निशानियाँ यहाँ देंगे। जैसे हम विनाइसिस में सब फील्ड्स के लिए यूज़ करते हैं पावर साइन, तो आप डॉलर साइन यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये सब फील्ड सेपरेटर के लिए डॉलर साइन यहाँ पर कर सकते हैं इस्तेमाल इससे। ठीक है, तो ये भी आएंगी तो आपकी ये 1000 रिकॉर्ड जो है आपके ISO की फाइल्स में विद इन सेकेंड्स जो है हो जाएंगे इम्पोर्ट। ठीक है, आपके सी ड्राइव में विनाइसिस के वर्क के फोल्डर में मैंने नाम दिया था BS ये ISO की फाइल। ठीक है ना, ISO की फाइल BS4 1000 के नाम से इस फोल्डर में होगी सेव। अब इसको आप मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को आसानी से आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज आप चाहते हैं कि आपकी ये रिकॉर्ड्स जो हैं सपोज में डेटाबेस खोलिए, ठीक है, ये MLS नाम से ये डेटाबेस मैंने ओपन की है। ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर ये मखसूस किस्म के टैग नंबर्स हैं, 8-10 टैग नंबर्स हैं। यहाँ कोई और डेटाबेस में ओपन करता हूँ, ठीक है, ISTD के नाम से डेटाबेस मैंने ओपन की। इस ISTD डेटाबेस में 895 रिकॉर्ड्स पहले से पड़े हुए हैं। अब इन इस डेटाबेस में जो मैंने 1000 रिकॉर्ड्स वहां से एक्सपोर्ट किए थे वो यहां पर इंपोर्ट करने हैं, तो डेटाबेस में जाकर आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपकी ये आ गई फाइल्स कि ये वाली फाइल आपने इम्पोर्ट करनी है। ये फाइल सेलेक्ट किया, आपने ओपन पर क्लिक किया तो ये कहेगा कि आपने ये फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं इसका पहला नंबर कौन सा होना चाहिए। तो आपके पास ऑलरेडी 895 रिकॉर्ड्स जो है मास्टर फाइल नंबर्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से 896 जो है नंबर देंगे और इनको आप करेंगे मर्ज कि फाइल आपस में हो जाएगी मर्ज। तो उसको आप ओके करेंगे तो आपकी डेटाबेस के अंदर 1895 रिकॉर्ड्स जो है आ गए। ठीक है, वहाँ से मैंने रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट किए और इस रिकॉर्ड्स फाइल में मैंने इंपोर्ट करवा लिए। पुटा एनर्जी एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग रोशन पूछे तो ये फाइल जेका है PDF XML PPT में कन्वर्ट थी न पुटा विनाइसिस सिर्फ ISO जी फॉर्मेट में डेटाबेस जी एक्सपोर्टिंग ऐं इम्पोर्टिंग कंदो आहे। इसकी प्रिंटिंग हो सकती आहे, अगरि तव्हांखे प्रिंट करणु चाहियो त प्रिंट जेको आहे तव्हांजो MS वर्ड में थी वेंदो। जैसे मैंने कहा डेटाबेस आपने प्रिंट करणी आहे, आपने ये सारे रिकॉर्ड जो है आपने प्रिंट करवाने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन तव्हांखे प्रिंट करणी आहे हिन फॉर्मेट जी, तो आप डेटाबेस में जाकर प्रिंट पे ऑप्शन दबाएं। प्रिंट के बाद
फिर कहें कि कितने रिकॉर्ड्स, क्या आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 1500 रिकॉर्ड्स आपने प्रिंट करने हैं, फिर ये आपकी ASCII विंडो की फाइल, फिर विंडो का फाइल भी फॉर्मेट दिया आपने, इसको आपने डबल स्लैश दे दिया ताकि आपका स्पेस आ जाए, ऐसे आपने इसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद इसका आपने नाम दे दिया, मैंने CATTT नाम दे दिया इसको, ओके। तो ये तकरीबन 1500 रिकॉर्ड जो है आपके एक टेक्स्ट फाइल में, ठीक है, आपकी ये टेक्स्ट फाइल में 1500 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे सेव। इस तरीके से ताजी रिकॉर्ड ठगी हुई थी PDF में, आप टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, मैंने को सवाल